नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी जानते हैं कि भिंडी का पानी कैसे करेगा शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल का इलाज। भिंडी कोई मौसमी पौधा नहीं है, यह हर मौसम में उगाया जाता है और खाया जाता है। खाने में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सब्जी, अचार या सूप में। यह खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो या सर्दियों का। भिंडी एक कुसुमित पौधा है जो दुनिया के कई हिस्सों में लेडीज़ फिंगर या ओकरा के रूप में जाना जाता है। अलग अलग देशों में इसका नाम बेशक अलग अलग हो, लेकिन काम एक जैसा ही है और अपनी फली के कारण बहुत महंगी है। इसे अक्सर कैरेबियन से लेकर चीन तक के व्यंजनों में उपयोग किया जाता है और इसकी लोकप्रियता हर समय बढ़ती जा रही है, खासकर जब से इस सब्जी का इस्तेमाल अचार के रूप में, साइड डिश या फिर सूप की एक सामग्री के तौर पर किया जा सकता है। इसके तेल के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसे निकाला जा सकता है तथा भिंडी के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी के टेस्ट यानी ओकरा टेस्ट के बारे में तो आपको बेशक पता होगा, लेकिन भिंडी के पानी यानी कि ओकरा वाटर के फायदों के बारे में आपको नहीं पता होगा। भिंडी के पानी से शुगर, किडनी की बीमारियां, दमा और कोलेस्ट्रॉल जैसे जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि भिंडी के पानी से कैसे आप इन बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए होगी आपको वो नोट कर लीजिए। 4 भिंडी चाहिए होगा आपको और 1 कप साफ पानी चाहिए होगा। इसके लिए विधि जानिए। सबसे पहले भिंडी का ऊपरी और निचला हिस्सा काट दीजिए और भिंडी को बीच में से काट दीजिए। फिर भिंडी को 1 कप पानी में डाल दीजिए और पूरी रात ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इस मिश्रण का निचोड़ 1 गिलास में निकाल लीजिए और उस निचोड़ में थोड़ा साफ पानी डाल लीजिए। रोजाना सुबह खाली पेट खाने के आधा घंटा पहले इस मिश्रण के सेवन से आपको कुछ ही दिनों में हैरान करने वाले नतीजे प्राप्त होंगे। आपका शुगर गायब हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो जाएगा। तो इन बीमारियों को आप बस इतनी सी अगर सीधी और सरल विधि को अपना लेते हैं तो इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।